हेलो दोस्तों, मैं किश शर्मा आज अपने चैनल अंकुर टिप्स एंड ट्रिक्स पे लेके आया हूँ दोस्तों दो ऐसे रूम हीटर्स जो कि हमारे विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर हैवल्स कंफर्टर रूम हीटर की, देन उसके बाद हम यहाँ पर बात करने वाले हैं दोस्तों महाराजा वाइट लाइन हीटर की। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इन दोनों ही बॉक्सेस को अनबॉक्स करेंगे, साथ ही दोस्तों मैं आपको हैवल्स का हीटर को कम्प्लीटली ओपन करके दिखाऊंगा कि इनसाइड हमें क्या क्या देखने को मिलता है, साथ ही हम ये देखेंगे कि वो किस प्रिंसिपल पे बेस है। तो दोस्तों मैं आपको एक लाइव टेस्ट करके भी दिखाऊंगा, थर्मामीटर से आपको इन दोनों का टेम्परेचर चेक करके दिखाऊंगा कि ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। तो चलिए मैंने इनको इनके बॉक्स से बाहर निकाल लिया है ताकि वीडियो के अंदर आपका टाइम कंज्यूम ना हो। तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों हैवल्स की, तो इनसाइड हमें सिर्फ ये हीटर देखने को मिलता है जो कि कुछ इस तरीके का है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों यहाँ पर महाराजा वाइट लाइन की, तो हमें ये हीटर देखने को मिलता है, साथ ही हमें बेस प्लेट मिलती है। इसको स्क्रूइंग करवाने के लिए दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको दो स्क्रू मिलेंगे, इन दोनों ही स्क्रूज़ के साथ आपको यहाँ पर इनको फिक्स कर देना है। उसके बाद ये हमारा कंप्लीट सेटअप हो जाएगा। चलिए अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर हैवल्स की। तो जैसा कि आप यहाँ पर इसके फिजिकल ओवरव्यू में देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर हमें ये जो बटन मिलता है ये हमारा थर्मो स्टेटर है। उसके बाद हम सेकंड स्विच की बात कर ले दोस्तों, तो इसका ऑन ऑफ स्विच और कूलिंग फीचर, वार्म फीचर और हॉट फीचर हमें प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पर दोस्तों ये लाइट इंडिकेशन है जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मैं जैसे ही इसको ऑन करता हूँ यहाँ पर देखिए दोस्तों ये ऑन हो जाता है। यहाँ से आपको इसको थर्मो स्टेटर को आगे करना होगा, तो ये देखिए दोस्तों इसका भी कूलिंग फीचर ऑन हो चुका है। मैं आपको इसका भी टेम्परेचर चेक करके दिखाता हूँ कि अभी जो इसका टेम्परेचर है वो कितना है। ये देखिए जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों ये 101 फॉरेनहाइट पे है। उसके बाद जैसे ही मैं इसको दोस्तों वार्म पे कर देता हूँ इसका जो टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। चलिए मैं आपको इसका टेम्परेचर चेक करवाता हूँ। जैसे कि आपने देखा दोस्तों पहले जो इसका टेम्परेचर था वो 101 फॉरेनहाइट पे था, अब आप देखिए दोस्तों इसका जो टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता जा रहा है, ये देखिए। चलिए अब मैं इसको इसके हॉट फीचर पे डाल देता हूँ जो कि यहाँ पर 2000 वाट के साथ है। जैसे ही मैं इसको स्लाइड करूँगा दोस्तों ये इसके हॉट फीचर पे आ जाएगा। अब देखिए मैं आपको इसका टेम्परेचर चेक करवाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों इसका टेम्परेचर ग्रेजुअली काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, ये देखिए। चलिए मैं इसको अब ऑफ कर देता हूँ। तो ये था हमारा दोस्तों हैवल्स। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें दोस्तों महाराजा के आउटर व्यू की, तो आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे होंगे हमें यहाँ पर 4 स्विच मिलते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसका पावर स्विच है, इससे आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों जैसे ही आप इसको ऑन करोगे तो इसके बीच वाली जो ग्रिल है वो ऑन हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों इस बटन से आप इसकी टॉप ग्रिल को ऑन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इस स्विच से आप इसकी लोअर ग्रिल को ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें टर्निंग फीचर मिलता है, जैसे आप इसको ऑन कर देंगे ये टर्न करना चालू कर देगा। दोस्तों बात कर ले इसके वोल्टेज की, तो ये हमें 1200 वोल्ट के साथ मिलता है। तो दोस्तों बात करें इनकी बिल्ड क्वालिटी की, तो मुझे हैवल्स की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी लगी फ्रेंड्स। उसके बाद हम बात करें दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज की, तो हमें जो हैवल्स है वो 2000 वोल्टेज के साथ मिलता है। जो महाराजा है दोस्तों वो हमें यहाँ पर 1500 वोल्ट के साथ मिलता है। तो दोस्तों जब आप इसको वार्म पे रखेंगे तो ये 1200 वाट पे वर्क करेगा, जब आप इसको हॉट पे रख देंगे दोस्तों तो ये यहाँ पर 2000 वाट के साथ ये हमें हीट प्रोवाइड करवाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर महाराजा की बात कर ले, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों ये कंप्लीट 1200 वाट के साथ आता है, 400 400 400। दोस्तों आप इन तीनों को ही ऑन कर देंगे तो यहाँ पर ये 1200 वाट के साथ ये ऑन हो जाएगा। चलिए मैं वारंटी की बात करूँ, तो दोस्तों हमें यहाँ पर हैवल्स के अंदर 1 ईयर की वारंटी प्रोवाइड होती है। जो दोस्तों ये रूम कवर करता है वो 150 स्क्वायर फिट को इजीली कवर कर लेता है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर बात कर लूँ महाराजा की, तो दोस्तों इसके अंदर आप जब इसके टर्निंग फीचर को ऑन कर देंगे तो ये रोटेशनल होने लग जाएगा 180 डिग्री पे, जबकि हैवल्स के अंदर हमें ये चीज़ नहीं मिलती है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों हम बात करें ब्लोइंग की, तो हमें यहाँ पर हैवल्स के अंदर ब्लो फीचर मिलता है, जबकि जो महाराजा है उसके अंदर हमें यहाँ पर ब्लोइंग फीचर नहीं मिलता है। उसके बाद बात करें दोस्तों ये दोनों ही शॉक प्रूफ हैं। तो बात करें दोस्तों यहाँ पर इनकी कॉस्ट की, तो जो हमें महाराजा वाइट लाइन है ये 1500 के अप्रोक्स मिलता है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें हैवल्स दोस्तों, तो ये हमें 4500 की कॉस्ट करता है। वेट की बात करें हैवल्स की, तो जो इसका वेट है 2.5 kg है। तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के लिए आपको करना क्या होगा, हैवल्स के अंदर हमें नीचे दोस्तों 6 स्क्रू मिलेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मैंने इनको ऑलरेडी रिमूव किया है ताकि आपका टाइम कंज्यूम ना हो। तो अब इसके लिए करना क्या है, आपको इसको दोस्तों यहाँ से ऊपर करना है। ये देखिए इनसाइड हमें ये कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों ये इसका थर्मोस्टेटर स्विच है जो इसको ओवरहीटिंग से बचाता है, साथ ही इसको शॉक प्रूफ बनाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये इसके ऑन ऑफ स्विच के रेगुलेटिंग्स हैं। यहाँ पर दोस्तों ये इसका फैन ब्लेड है, ये देखिए।
उसके बाद सामने की तरफ यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर ये इसकी हीटिंग ग्रिल्स है। तो चलिए मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से इसका जो ब्लोअर है वो ऑन हो चुका है। तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो इनसाइड भी काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है दोस्तों। इसकी आउटर जो बिल्ड क्वालिटी है वो तो बेहतरीन है ही। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये इसकी लाइट है, ये इसके यहाँ पे ग्रिल्स हैं। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे दोस्तों फर्स्ट टाइम यहाँ से, तो ये इसका ब्लोअर ऑन होगा, ये देखिए। उसके बाद जैसे ही आप इसको सेकंड और थर्ड पे कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पर इसकी हीटिंग प्लेट्स भी ऑन हो जाएगी और हीट करना चालू कर देंगी। तो मुझे अपने हाथ पे अच्छी खासी हीट फील हो रही है दोस्तों। इनसाइड मैं आपको फिर से इसका टेम्परेचर चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये ग्रिल का आप टेम्परेचर क्लियरली देख पा रहे होंगे। तो चलिए अब मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। ये देखिए हमारा ब्लोअर अब धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं महाराजा की। यहाँ पर हमने कम्प्लीटली हैवल्स को देख लिया है। चलिए मैं इसको साइड कर देता हूँ। तो चलिए अब इसको हम ऑन करते हैं। यहाँ से स्विच को प्रेस करेंगे, तो जैसे ही हम प्रेस करेंगे इसकी मिडिल जो रोड है वो ऑन हो जाएगी। यहाँ से आप इसकी सेकंड रोड को ऑन कर सकते हैं और यहाँ से आप इसकी लोअर जो थर्ड रोड है उसको ऑन कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको इसका हीटिंग टेम्परेचर दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो इसका टेम्परेचर अभी 340 है, जो कि ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता जा रहा है। चलिए मैं इनकी हीटिंग प्लेट्स को ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पर एक जो एडिशनल फीचर मिलता है दोस्तों, वो हमें टर्न का फीचर मिलता है। ये देखिए, जैसे ही आप इसको प्रेस कर देंगे ये रोटेशनल होने लग जाएगा। ये देखिए जो ये रोटेशनल है दोस्तों, ये 180 डिग्री तक जाता है। ये देखिए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये ऑटोमेटिकली रोटेट हो रहा है। ये देखिए, तो दोस्तों हमने यहाँ पर इन दोनों ही हीटर्स को ओपन करके देख लिया है, हमने इनकी स्पेसिफिकेशंस को भी देख लिया है। अगर आपको ये हीटर्स बाय करने हैं दोस्तों, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से जाके इनको बाय कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप मेरा ओपिनियन पूछे कि आपको कौन सा हीटर बाय करना चाहिए, तो आपको यहाँ पर हैवल्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए अगर आपका बजट है। तो अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही अनबॉक्सिंग एंड टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, थैंक यू।